अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा वी एन ओवरले के अबाउट, बेसिकली वो क्या है। आप इस तरह से कह सकते हो कि वे प्री मेड टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ वी एन ऐप के ऊपर और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग वी एन ओवरलेज को यूज़ कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर मैं सिंपल अपना वी एन एडिटर ऐप ओपन जो है वो कर लूँगा और यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँगा। सॉरी, यहाँ पे देखें आप, जैसे मैं इस पर प्लस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मेरे पास आ गए और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ओवरले का। सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ टेम्पलेट या ओवरलेज यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं ये वाला ओवरले यूज़ करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें नीचे की तरफ ऑप्शन नज़र आ रहा है कि तीन फुटेजेस आप इसके अंदर यूज़ कर पाओगे, तीन फ़ोटोज। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं अपने मोबाइल के अंदर से तीन फ़ोटोज़ यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं प्लेटफॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पर मैं तीन फ़ोटोज़ ऐड कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से ये ऑटोमेटिकली जो ओवरलेज हैं वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन ओवरलेज का यूज़ कर सकते हैं और इनको आप क्विकली एडिट करने के लिए अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि वीएम के ओवरलेज क्या हैं और उनको आप किस तरह से यूज़ करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।